I think the waiting... नमस्कार आप देख रहे हैं थ्री और देश में त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है जिसका असर फूलों की मांग पर भी दिख रहा है क्या है इसके मार्केट्स क्या है नंबर्स और अगर हम फ्लोरिकल्चर की बात करें भारतीय बाज़ारों में तो ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिज़नेस है जहां पर लगातार 10 से 11 परसेंट की बढ़त साल ऑन साल देखने को भी मिल रही है आगे जाकर इंडस्ट्री कैसी नज़र आती है स्पेशली ये सीज़न कैसा है इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं फोनजन पेथल्स के फाउंडर एन एम विकास गुटगुटिया विकास नमस्कार और फेस्टिवल सीजन में किस तरह से क्या ट्रेंड्स बनता हुआ देखते हैं और कहाँ से आपको लगता है कि एक बिज़नेस में सपोर्ट आएगा आई थिंक वेडिंग अनडाउटडली एक फेस्टिवल है हमारे यहाँ ये वेडिंग सीजन होता है स्टार्टिंग फ्राम अक्टूबर टिल मार्च ये हर तरह से एक रौनक वाला और फेस्टिविटी का माहौल और ओवरऑल इकोनॉमी हमारे बिजनेस हर चीज़ के लिए तो दिस इज दिस इज़ गोइंग टू बी द बिगनिंग ऑफ दैट सिक्स मंथ्स ऑफ यू नो दब से अच्छी अच्छा वक्त हमारा बिजनेस के ग्रोथ के लिए यही होता है और राइट right, तो यानी कि वेडिंग सीजन से सबसे ज्यादा मांग यहाँ पर फ्लावर्स में आने वाली है लेकिन अगर ओवरऑल नंबर्स यहाँ पर विकास जी देखें तो किस तरह की डिमांड ग्रोथ यहाँ पर आप बनता हुआ देखते हैं साल दर साल के हिसाब से बहुत अच्छी ग्रोथ रही है फ्लावर का मतलब कि मुझे लगता है कि फ्लावर कल्चर हर साल यू नो ईयर ऑन ईयर और मेच्योर होता जा रहा है अवेलेबिलिटी ऑफ फ्लावर्स इंपोर्ट ऑफ फ्लावर्स डोमेस्टिक फ्लावर्स में जो वैरायटी कभी नहीं मिलती थी काफ़ी लोगों ने उसमें डोमेस्टिक फ्लावर्स में अवेलेबिलिटी ऑफ फ्लावर्स काफी बढ़े हैं तो मुझे लगता है कि बिल्कुल एक फूलों के लिए तो ये गोल्डन पीरियड है ओके okay. जैसे आपने कहा कि वेडिंग सी जो इंडस्ट्री है वहां पर फ्लावर्स की सबसे बेहतरीन हाँ, आप यहां पर डिमांड आता हुआ देखते हैं यहां पर भी किस तरह की ग्रोथ बनता हुआ नजर आ रही है देखिए ग्रोथ तो आई थिंक ऑन एवरेज 20 25% परसेंट 30% तो होती ही है ईयर ऑन ईयर बिकॉज़ दैट्स नेचुरल आल्सो और दूसरा क्या है कि आजकल 90% वेडिंग्स आर डेस्टिनेशन वेडिंग्स जो भी अच्छी शादियां होती हैं वो डेस्टिनेशन होती है पॉकेट के हिसाब से सम पीपल टेक अप अ सिटी होटल और वहां पे शादी कर ली कोई डेस्टिनेशन पे चला गया पर घर से जो शादियां होती थी वो कल्चर खत्म हो गया और ऐसी सिचुएशन में पीपल लुक फॉर प्रोफेशनल्स हु कैन हेल्प देम यू नो एंड टू एंड सॉल्यूशन करा दें ताकि उनकी अपनी कोई सिरदर्दी ना हो तो हमारा जो ये शादी सेंटर है जिसमें हम टोटल वेडिंग प्लानिंग करते हैं इसमें बिकॉज ऑफ डेस्टिनेशन वेडिंग नॉट ओनली एस ओवरऑल इंडस्ट्री डेस्टिनेशन वेडिंग ने पूरे गेम को चेंज कर दिया एब्सोलूटली डेस्टिनेशन वेडिंग अब सब जगह है और उसका एक हमने इम्पैक्ट अक्रॉस इंडस्ट्री और इकोनॉमी आते हुए देखा भी है आप डेस्टिनेशन uh, वेडिंग देख रहे हैं हम मेडिकल टूरिज्म देख रहे हैं इन्वेस्टर के तौर पर आप कहाँ पर बेहतर इन्वेस्टमेंट uh, कर रहे हैं किस कैटेगरी में आपको लगता है कि आगे जाके ग्रोथ ज़्यादा देखने को मिलेगी मनीषा जी मुझे लगता है कि हमारी स्ट्रेंथ या जो हमारी एक यूएसपी लें वो है कि जो अनऑर्गेनाइज्ड एरिया है वहां पे एक ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर का आना उस गेम को चेंज अ बिजनेस। हमने फूलों में वही किया या कई जगहों पे शादियों में ये सारे इंडस्ट्री कहलाती भी नहीं थी और आज वो सिमिलरलीर्नी मेडिकल इक्के दुक्के लोग हैं जो एक जैसे होते हैं कि भाई ब्रोकर टैप्स हैं बट वी डो नॉट है एक आदमी को अगर मान लो किसी कंट्री से आके इंडिया में इलाज कराना है तो उसको पैकेज मिल जाए फ्रॉम द रेट उस जगहो you know, लोगों को हेल्प कर पाना और ये फैसिलिटी दे पाना मैं एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देखता हूँ और हमारा बिजनेस जहां कोई बहुत हाई इन, इन्वेस्टमेंट या कैपिटल Oriented business है service oriented business है आपकी आपकी है ये जिसमें कि आपकी आपकी ज़्यादा लगता जिसमेंट राइट अगर हम मार्केट्स को देखें और जैसे आपने कहा सभी कुछ अब लग्जरी है प्रीमियम है एक्सपीरियंशियल प्रीमियम है ज़्यादा यहाँ पर फोकस होता हुआ नजर आ रहा है क्या ये ट्रेंड इसी तरह आगे जाएगा और आपकी इन्वेस्टमेंट अब इस पर फोकस करेंगे आई थिंक जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं मुझे लगता है कि तो प्रीमियम होना और दूसरा पर्सनलाइज होना लोगों को ना बड़ी पर्सनलाइज एक्सपीरियंसेस चाहिए अब प्रोडक्ट तो मिल जाता है एक्सपीरियंस नहीं मिलता है तो हमारा सारा फोकस आज के दिन एक्सपीरियंस प्रीमियम एंड पर्सनलाइज्ड पे है इस तीन को हम अपना यू नो गुण मंत्र मानते हैं कि हम जो भी काम करते हैं आई थिंक वी ट्राई एंड फोकस ऑन दिस थ्री एरियाज़ और हमारी गिफ्टिंग हो वेडिंग हो या हमारी जो भी एक्टिविटीज़ हम करते हैं हमारी होटल चेन है हर जगह हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों का एक्सपीरियंस जो है और जो उनकी जो एक पर्सनलाइज सर्विस है वो उसका कोई मैच नहीं है

इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो गए हैं तो ऑर्गेनिक चीजें पसंद करते हैं आज का यूथ है वो चाहता है कि हम वो चीजें करें जो सस्टेनेबल और यू uh, नो you know, नेचर को हार्म ना करें तो वो एक ऐसी चीज है जो कि एक नो uh, ब्रेनर no है दैट इज़ रियली टेकिंग ऑफ दूसरा क्या है जो एक ट्रेडिशनल नॉर्मल एफ गिफ्ट होते थे उससे अब हम फूड हेम्पर्स उसके बाद ब्यूटी वी आर मूविंग टूवर्ड्स यू नो डिफरेंट काइंड ऑफ वी नेवर विल काफ हम ने सो, हमेशा सोचते थे कि फ्लावर

काफी नई नई चीजें इंट्रोड्यूस हो रही हैं एआई ने गेम बड़ा बदल दिया है अब कौन सी आज सर्विस हम प्रोवाइड कर सकते हैं कि आदमी आधा आदमी तो कंफ्यूज़ होता है कि मैं क्या लू क्या सूट करेगा नहीं सूट करेगा सो सो आई थिंक वी आर वी ट्रांसफॉर्मिंग स्टेज इन गिफ्टिंग इंडस्ट्री एब्सोल्युटली no, और अब क्योंकि यहाँ पर फेस्टिवल सीजन है और ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है जैसे आपने कहा जो भी चीज़ें आपने यहाँ पर इन्वेस्ट करी हैं आगे जाकर अब फंड्स एंड पेटल्स का क्या व्यू है क्या विजन है कहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स करेंगे इट बिन थर्टी ईयर्स तीस साल से हम लोग इस बिजनेस में हैं और हमारा कोर बिजनेस तो गिफ्टिंग एंड वेडिंग ही रहा है उसके अलावा जो भी हम काम करते हैं मेडी जर्नी लास्ट जर्नी या हमारा मीडिया का एक डिवीजन है ये सारे आ, कहीं ना कहीं नए हैं और वेडिंग और गिफ्टिंग इंडस्ट्री में इस साल हमारा एक ही मुद्दा है कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड है उसको इतना डिफिकल्ट कर दो यू नो द बेंच मार्किंग इतनी ऊंची कर दो द होल स्टैंडर्ड ऑफ सर्विस एंड क्वालिटी टू बी सच कि नो कि सामने वाले को परेशानी हो जाए कि हो क्या रहा है सो so ना कहते नहीं कि आपने बिल्डिंग बना ली इतने सालों से काम करते करते आप फ्लोर जोड़ते गए अब है कि बिल्डिंग को बिल्डिंग में ऐसी चीजें करनी है जो बोले कि ओ ये क्या हो गया सो इनोवेशन एंड आई थिंक चेंजिंग द लेवल प्लेइंग फील्ड एंड मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर फॉर आर कॉम्पिटिटर्स एंड मेकिंग इट मोर ब्यूटिफुल फॉर आर कस्टमर्स राइट दैट पॉइंट इज वेल टेकन यानी कि आगे जाके त्यौहारों पर दिवाली पे शादियों के सीजन में फोनजन पेटल की तरफ से काफ़ी सारा नई चीज़ें यहाँ पर आती हुई नजर आएंगी और जैसे कहा गया कि एक्सपीरियंशियल यहाँ पर एक ट्रेंड चलता हुआ नजर आया है फूड हेम्पर्स एनवायरमेंट फ्रेंडली चीजें यहाँ पर बाजार में है और साथ ही साथ जैसे कहा गया कि जहां तक फूलों का बाजार है भारतीय मार्केट्स में बीस से पच्चीस परसेंट वेडिंग ग्रोथ यहाँ पर हमने डिमांड में आते हुए देखी है तो अफकोर्स उसके ऊपर भी नजर रहेगी बिकॉज ई इज़ ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और इसी के साथ एक ब्रेक के लिए भी रुकेंगे वाल ये तो हुआ त्यौहारों का बाजार लेकिन आने के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे एंजल वन के प्रथमेश मालिया और एस ग्लोबल सिक्योरिटीज के वंदना भारती उनसे जानेंगे कमोडिटी मार्केट्स के ट्रेंड्स आपकी स्क्रीन पर लेके आना चाहेंगे क्योंकि कुछ मुनाफा वसूली यहाँ पर आज देखने को मिली है कांस्टेंट ऑल टाइम हाइज के बाद हल्की सी गिरावट के साथ यहाँ पर कारोबार था सोने में भारतीय बाजारों में हमने चौहत्तर हजार के ऊपर फिर से यहाँ पर लेवल्स आते हुए देखे हैं लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हम छब्बीस डॉलर का ऑल टाइम हाई बना चुके थे वहां से हल्की सी गिरावट है प्रथमेश कैसे देखते हैं करंट लेवल्स को आई थिंक मनीषा क्लियरली फेट के आउटफम के बाद ये बात तो क्लियर है कि डायरेक्शन जो है रेट कट का आने वाले समय में होने वाला है कंटिन्यूस होने वाला है और ये क्लियरली रिसेशन बेस्ड प्रोजेक्शन को कंसीडरेशन रखते हुए ध्यान में दिया गया है तो इन दैट सेंस गोल्ड और सिल्वर के लिए मोमेंटम जो है वो ब्राइटी है और यहाँ से भी मेरे ख्याल से आगे बढ़ने की ही चाल दिखाई दे रही है यहाँ पे इंटरनेशनल बाजार पे 2620 के आसपास ये कमोडिटी ट्रेड हो रही है मेरे ख्याल से 2700 जो है बहुत जल्द देखने को मिलेगा इंडियन मार्केट्स में अराउंड सेवेंटी के आसपास बेस्ट बाय पॉसिबल दिखता है यहाँ पे और मेरे ख्याल से यहाँ से ट्रेंड जो है 74, 300, 74, 400 के आसपास ये जो है ये कमोडिटी जाती हुए दिखती है स्लोली एंड स्टेडली मेरे ख्याल से ये ईयर एंड अराउंड सेवेंटी एट थाउजेंड तक के भाव दिखा सकती है सो यस गोल्ड और सिमिलरली similar, सिल्वर में भी ये ट्रेंड जारी रहेगा 90,000 थाउजेंड 90, थाउजेंड फाइव हंड्रेड Uh, ये जो है uh, दोनों भाव जो है बहुत जल्द दिखाई देते हैं सिल्वर में हालांकि सिल्वर में आज करेक्शन रहा है ऑलमोस्ट वन परसेंट गिरा है बट ये जो करेक्शन है ये बाइंग ऑन डेप्स अपॉर्चुनिटी बन जाती है इन्वेस्टर्स के लिए ओवरऑल मेरे ख्याल से दोनों ही काउंटर में काफी स्टेबिलिटी और मोमेंटम आने वाले ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकती है और लेकिन तेज़ी से यहाँ पर अभी भी नकार नहीं है यहाँ से भी बढ़त देखने को मिल सकती है 2700 के अगले लेवल्स अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में और भारतीय बाज़ारों में भी बढ़त की एक्सपेक्टेशन वंदना आप चांदी कैसे देखती हैं क्योंकि जिस तरह से हमने पिछले आठ दस दिन देखे हैं सोने ने फिर से चांदी को यहाँ पर आउट परफॉर्म किया है इकतीस के ऊपर चांदी अभी भी फिलहाल भी टिकती हुई नहीं दिख रही Uh, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा करेक्शन आएगा मनीषा उसके बाद यहाँ पे फिर से रैली आता हुआ देख सकते हैं और जिस तरीके से हम लोगों ने अभी देखा था कि टू uh, थाउजेंड में चाइना में गोल्ड रश था अब सिल्वर रश देखने को मिल रहा है और काफी फाइव सिक्स टाइम्स उन्होंने सिल्वर ज्यादा खरीदा है बार और क्वाइंस तो मुझे लग रहा है यहाँ पे कि फिजिकली भी ये कमोडिटी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिख रही है और इन्वेस्टमेंट डिमांड भी यहाँ पे बढ़िया है इसका तो मेरे ख्याल से यहाँ पे एक पॉज तो बनता है एटी सेवन थाउजेंड एट हंड्रेड से लेके मुझे लग रहा है कि एटी एट थाउजेंड एक बढ़िया लेवल रहेगा जहाँ पे कि चांदी को बाय करना चाहिए हालांकि इंट्राडे डे में ये फिर से मतलब कि रिकवर करने की कोशिश कर रही है लेकिन 88,500 एट एटलीस्ट एक लेवल होना चाहिए करेक्शन पे बाय करना चाहिए और मुझे लग रहा है कि प्राइसेस वहां पे इंटरनेशनल मार्केट विर्टी टू पॉइंट सिक्स डॉलर के करीब एक रेजिस्टेंस देख सकता है और यहाँ पे इसमें मुझे लग रहा है कि पोटेंशियल है कि नाइनटी तक के करीब ये कमोडिटी यहाँ पे जाए इस लेग में तो फिलहाल करेक्शन पे बाइंग की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इसमें ऑल राइट right, तो सोना हो या चांदी अभी भी खरीदारी करने के मौके ही आपको यहाँ पर ढूंढने हैं मेटल्स की बात कर लेते हैं और यहाँ पर कुछ स्टेबिलिटी रोक लौटती हुई नज़र आई है प्रथमेश एक तरफ यहाँ पर डॉलर में गिरावट है जिसका फ़ायदा है एक निजी रिएक्शन यू एस फेड की रेट कट से हम ऑलरेडी यहाँ पर आता हुआ देख चुके हैं लेकिन चाइना की तरफ से अभी भी कंसर्नस हैं इन्वेंट्री में हल्का सा इंक्रीज है जो ये हल्की हल्की तेज़ी हमने मेटल्स में लगातार बनते हुए देखी है स्पेशली कॉपर एलूमिनियम जिंक पिछले हफ्ते भी बेहतरीन काम कर रहे थे क्या अभी भी यहाँ पर ख़रीदारी के स्तर हैं मनीषा uh, जो भी फेड की तरफ से रिएक्शन रहेगा स्पेसिफिकली विद रिगार्ड्स टू इंटरेस्ट रेट्स कट्स वो डॉलर में एक वीकनेस का साइन देकर लेके आएगा सो so, डॉलर वीकनेस और कमोडिटीज का इनवर्स को जो है वो प्ले आउट होगा बट स्पेसिफिकली बेस मेडल्स में और रैली स्पेसिफिकली कंसिस्टेंट रैली लेके आने के लिए चाइना की तरफ से सेंट्रल बैंक का जो पुस्ट चाहिए वो जब तक नहीं आएगा तब तक सारे मेटल्स में ऐसे कुछ खासा की रैली नहीं आएगी बट मेरे ख्याल से काफी अच्छा प्लेआउट हुआ है पिछले कुछ सेशंस में कॉपर में रैली अच्छी हुई है जिंक में रैली अच्छी हुई है बट फिलहाल यहाँ पे मैं जिंक अवॉइड करना चाहूंगा कॉपर में पॉसिबिलिटी है कि 820 826 के भाव वापस दिख जाए इसको बायोन डिप्स कीजिए आठ के आसपास अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूँ मैं आठ का स्टॉप लगाइए ऊपर में टारगेट आठ के लिए रखिए और आप कहेंगे कॉपर एल्यूमिनियम जिंक सभी के बीच में कॉपर यहाँ पर सबसे बेहतरीन है अ बेट टू गो लॉन्ग यस कॉपर में कॉन्फिडेंस ज्यादा है बिकॉज इन्वेस्टमेंट साइड में और प्लस फैक्टोरियल अगर आप देखें तो कॉपर में ज्यादा स्टेबिलिटी uh, दिखाई दे रही है इन कम्पेरिजन टू अदर मेट्रीज अवल आपसे लूट अपने निचले स्तरों से अच्छी खासा उछाल हमने कॉपर में आता हुआ देखा है आज हल्की सी मुनाफा वसूली ज़रूर है लेकिन बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजीज़ के साथ यहां पर प्रथमेश का सेंसस में क्रूड ऑयल प्राइसिस आपकी स्क्रीन पे लेके आएंगे क्योंकि यहां पर तेज़ी बरकरार है पिछले दो हफ्ते में लगातार बढ़त देखने को मिली और पचहत्तर के आसपास के लेवल्स अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्रेंट पे फिर से लौटते हुए नज़र आए हैं यू एस प्रेजिडेंशियल एलेक्शन है एक तरफ दूसरी तरफ जिस तरह से मिडल ईस्ट में यहाँ पर एक्सकलेशन हमने देखा है यहाँ पर भी आप कहेंगे प्रथमेश बेच के काम फिलहाल नहीं करना चाहिए आई थिंक क्लियरली मनीष रिस्क रहता है तो स्पेसिफिकली ऑयल या फिर ऑयल के जितने भी प्रोडक्ट्स है उसमें अच्छा मोमेंटम रहता है और प्लस मेरे ख्याल से ब्रेंट और डब्ल्यू टी आई दोनों भी मेरे ख्याल से एक स्टेबल जोन पे है नाइमेक्स सेवेंटी के करीब है सेवेंटी वन और इंडियन मार्केट्स में छ हजार रुपए के करीब ऑयल ट्रेड हो रहा है मेरे ख्याल से हजार मे या ब्रेक सिचुएशन होगा यहाँ पे 6000 के बाद 6150 तक की रैली आप देखने को मिल सकते हैं जो करीब डॉलर टर्म्स में अगर ट्रांसलेट करें थ्री से फोर डॉलर्स यहाँ पे तो इसको बाय ऑन डिप्स कीजिए फाइनेंस सिक्स के आसपास इसको बाय कीजिए फाइव का स्टॉप रखिए टारगेट सिक्स के लिए रखिए ओके okay, तो ख़रीदारी के मौके आपको यहाँ पर सोने चांदी मेटल्स और एनर्जी सभी जगह ढूंढने हैं शॉर्ट करने की ये मार्केट फ़िलहाल नहीं है लेकिन वंदना जिस तरह की तेज़ी आज हमने आगरो में आते हुए देखी है शॉर्ट तो ये बाजार भी नहीं है लेकिन करंट लेवल्स पे क्या मुनाफा वसूली की राय है स्पेशली अगर गुआर एज अ सेक्टर में देखें Uh, काफी uh, इंतजार के बाद यहाँ पे गुआर ने एक ब्रेकआउट दिया है मुझे लग रहा है कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए यहाँ पे लेकिन जो फ्रेश भी यहाँ पे बाय करना चाहते हैं उन्हें मैं रिकमेंड इसलिए करूंगी क्योंकि मैंने देखा है कि ये जो ब्रेकआउट आया मनीषा ये विद इंक्रीज वॉल्यूम है यहाँ पे तो एक हेल्दी ट्रेंड बता रहा है

टन ने पहले तो लोकल फैक्टर्स ने से काफी सपोर्ट करा है एनसीडीएक्स में लेकिन मुझे लग रहा है कि इंटरनेशनल मार्केट में भी एक सपोर्ट मिलता नजर आ रहा है और यहाँ पे जो कॉटन कैंडी है उसमें भी मुझे लग रहा है कि 59,000 तक के लेवल्स आ सकते हैं तो 58,350 के ऊपर यहाँ पे बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी कॉटन कैंडी में फिफ्टी का टारगेट होगा स्टॉपलेस लगाना होगा फिफ्टी का साथ में यहाँ पे कॉटन ऑयल सीड केक में अपना ध्यान देना चाहूंगी दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट काफी यहाँ पे अट्रैक्टिव है और वॉल्यूम भी है यहाँ पे थ्री टेन के करीब यहाँ पे बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी जो टारगेट होगा का का होगा होगा स्टॉप लॉस पे लगाना एंड फाइनली स्पाइसेस में आपकी नजर कहाँ पे आती है काफी सारी जो कॉर्पोरेट्स है, हैं कंपनीज हैं जिनसे हमारी बात होती है वंदना वो स्पाइसेस को एज अ वेरी ल्यूक्रेटिव सेक्टर देखते हैं सेगमेंट देखते हैं उसमें एंटर भी करना चाहते हैं लेकिन जिस तरह की प्राइस वॉलिटी है वो ऑफकोर्स एक चीज है जो लोगों को काफी हद तक यहाँ पर डिफर करती है लेकिन करंट लेवल्स पे क्या करने की राय है Uh, मुझे लग रहा है कि स्पाइसेस में जीरा ने काफी बढ़िया बेस बनाया है और इधर uh, जून मंथ में एक्सपोर्ट भी बढ़िया हुआ है और जो रिसेंट हम लोगों ने एक फॉल आता हुआ देखा था इससे हमारी जो पैरिटी है वो कॉम्पिटिटिव हुई है इंडियन पैरिटी तो यहाँ पे मैं बाइंग में बने रहना चाहूंगी मैंने ट्वेंटी थ्री के लेवल में कहा था कि यहाँ पे एक पोजिशनल बाय बनती है इसे मैं कंटिन्यू करना चाहूंगी मुझे लग रहा है कि अगर हम यहाँ पे ट्वेंटी के करीब बाइंग करते हैं तो तक का एक लेवल यहाँ पे आ सकता है स्टॉपअस लगाना होगा ट्वेंटी का टमरिक में भी बहुत ज्यादा गिरावट नहीं लग रही है यह भी कमोडिटी अट्रैक्टिव है फोर्टीन थाउजेंड के करीब या फोर्टीन थाउजेंड वन हंड्रेड के करीब एक छोटा सा करेक्शन आता है इसमें भी मैं बाइंग में ही रहना चाहूंगी फिफ्टीन थाउजेंड का टारगेट होगा स्टॉपस तो लगाना होगा थर्टीन थाउजेंड सिक्स फिफ्टी का और साथ में

ऑल राइट right. हमने आज इतनी सारी एग्रो एंड नॉन एग्रो कमोडिटीज़ की बात की है और उसमें से एक भी सेल कॉल हमारे एक्सपर्ट्स ने आपको नहीं दिया है यानी कि जहां तक कमोडिटीज़ की बात है सभी में खरीदारी करके चलना है चाहे वो एग्री है या नॉन एग्री मंदना प्रथमेश बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए तमाम कमोडिटीज़ में स्ट्रैटेजीज हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर भी करने के लिए इसी के साथ एक ब्रेक का समय है हम लौटेंगे तो लेकर आएंगे आवाज़ समाचार